तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप Redmi 10 Prime डिवाइस के यूज़र हो तो आज का ये वाला वीडियो आप Redmi 10 Prime यूज़र्स के लिए भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर Redmi 10 Prime डिवाइस के लिए फाइनल एंड फाइनली Xiaomi की तरफ से MIUI 13 के साथ Android 12 का अपडेट ऑफिशियली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से वर्जन के दौरान MIUI 13 के साथ Android 12 का अपडेट यहाँ पर Redmi 10 Prime डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, अपडेट का वर्जन क्या है, अपडेट का साइज़ क्या है एंड MIUI 13 Android 12 अपडेट के बाद Redmi 10 Prime डिवाइस पे आपको Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। पर भाई, उससे पहले चैनल पर नए आ रहे हो और Redmi के 10 Prime डिवाइस का अभी यूज़ करते हो तो भाई फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर पे Redmi 10 Prime डिवाइस पे Xiaomi की तरफ से जो भी अपडेट यहाँ पर आएगा उसका वीडियो आपको सबसे पहले यार हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका भाई का एक छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को एंड दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यार इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड दोस्तों उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो भाई लोग, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि Redmi 10 Prime डिवाइस पे फ्यूचर पे जो भी अपडेट यहाँ पर आएगा उस अपडेट का ऑफिशियल डाउनलोड लिंक एंड अपडेट के जो सारे दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसके साथ साथ दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी का अभी ज्वाइन कर लो यार। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Redmi 10 Prime डिवाइस के लिए जो न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है वो ग्लोबल पे देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल पे Redmi 10 Prime डिवाइस के लिए MIUI 13.0.4.0 वर्जन के दौरान MIUI 13 के साथ Android 12 का अपडेट फाइनल एंड फाइनली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके पास Redmi 10 Prime डिवाइस का ग्लोबल वेरियंट है तो अभी के अभी आपके डिवाइस की सेटिंग्स पर जाओ, अबाउट फोन में जाओ, सिस्टम अपडेट पर जाके चेक करो, ये जो MIUI 13.0.4.0 ग्लोबल अपडेट है आपके Redmi 10 Prime डिवाइस पे, ये अपडेट ग्लोबल पे आपको देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर ये वाला अपडेट आपके डिवाइस पे आपको देखने को मिल गया है तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, मुझे अभी का अभी कमेंट करके बता दो कि ये अपडेट आपके डिवाइस पर आपको देखने को मिल गया है और ये वाला अपडेट अभी तक आपको आपके डिवाइस पर देखने को नहीं मिला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे आपको अपडेट करना होगा और सब कुछ मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो बिना एक सेकंड भी स्किप करते हो इस अपडेट को लास्ट तक देखते रहो। तो दोस्तों, इस अपडेट की साइज़ की बात करें तो भाई अपडेट के साइज़ को देख के मैं हैरान हो गया, 492 MB। जी हाँ, MIUI 13 के साथ Android 12 का अपडेट है भाई, इसका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा क्यों है वो मुझे पता नहीं यार, यहाँ पर Xiaomi को पता होगा, पर यहाँ पर 500 MB के आसपास एक मिडिल साइज़ का अपडेट देखने को मिला है MIUI 13.0.4.0 वर्जन के दौरान दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल पे Redmi 10 Prime डिवाइस के लिए। अब दोस्तों, हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, MIUI 13.0.4.0 ग्लोबल अपडेट के बाद यहाँ पर Redmi 10 Prime डिवाइस पे Xiaomi की तरफ से क्या कहने वो फीचर्स देखने को मिलता है। तो भाई सबसे पहले MIUI 13 के जो बेसिक फीचर्स है वो आपको मिलेंगे ग्लोबल पे, MIUI 13 के नए वॉलपेपर्स आपको मिलेंगे जो यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, MIUI 13 के लाइव वॉलपेपर्स भी आपको मिलेंगे थीम्स एप्लीकेशन पर। उसके बाद नया महीने का आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड सरप्राइज देखने को मिल जाएगा, आपका एंड्रॉयड स्पीड और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद भाई जो मेन फीचर है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, जी हाँ, MIUI 13.0.4.0 ग्लोबल अपडेट के बाद आपके Redmi 10 Prime डिवाइस का जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर इंप्रूव कर दिया जाएगा, यानी इस अपडेट के बाद आपका Redmi 10 Prime डिवाइस भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुड न्यूज़ हो जाता है Redmi 10 Prime ग्लोबल यूजर्स के लिए। उसके बाद भाई इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो इस अपडेट के बाद आपके Redmi 10 Prime डिवाइस का जो सिस्टम का सिक्योरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों मोर फीचर एंड इंप्रूवमेंट पे आपको देखने को मिलता है, नाउ एप्स कैन बी ओपन फ्लोटिंग विंडोज डायरेक्टली फ्रॉम साइड बार, तो साइड बार का फीचर आपको ग्लोबल पे देखने को मिल जाएगा Redmi 10 Prime डिवाइस पे इस MIUI 13.0.4.0 अपडेट के बाद। उसके बाद दोस्तों और कोई फीचर की बात करें तो बहुत सारे लोगों के Redmi 10 Prime डिवाइस पे ग्लोबल पे बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम देखने को मिलता था, यानी यार बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, तो MIUI 13.0.4.0 ग्लोबल अपडेट के बाद आपके बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है, यानी इस अपडेट को करने के बाद आपका बैटरी यहाँ पर ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं होगा, आपको एक बेटर स्मूथ बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा,
यानी आपका जो बैटरी वो काफ़ी देर तक चलने वाला है इस अपडेट को करने के बाद यहाँ पर रेडमी 10 प्राइम डिवाइस पे। उसके बाद दोस्तों और कोई फीचर की बात करें तो बहुत सारे लोग रेडमी 10 प्राइम डिवाइस पे थोड़े बहुत गेम प्ले करते हैं, कोई पबजी खेलता है, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, कोई दोस्तों यहाँ पर BGMI खेलता है। तो इस MIUI 13.0.4.0 ग्लोबल अपडेट के बाद आपके रेडमी 10 प्राइम डिवाइस का जो गेमिंग परफॉर्मेंस, जी हाँ, गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। यानी इस अपडेट को करने के बाद आपको गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपके रेडमी 10 प्राइम डिवाइस पे। तो अगर आप सारा दिन गेम खेलते हो आपके रेडमी 10 प्राइम डिवाइस पे, तो इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद आपको गेम खेलने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिक्स फ्रेम रेट के साथ जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलने वाला है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुड न्यूज़ हो जाता है रेडमी 10 प्राइम ग्लोबल यूजर्स के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो MIUI 13.0.4.0 ग्लोबल अपडेट है रेडमी 10 प्राइम डिवाइस पे। यह अपडेट आपके डिवाइस पे अभी तक देखने को नहीं मिला है, या फिर यह अपडेट आपके रेडमी 10 प्राइम डिवाइस पे ग्लोबल पे आके चला गया है, तो भाई आप क्या करेंगे? तो दोस्तों देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डाउनलोड लिंक्स मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपल से डाउनलोड लिंक्स को क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज की ओर आपको अपडेट कर लेना है, अगर आप मैनुअली अपडेट करना चाहते हो तो। और दोस्तों अगर आप मैनुअली अपडेट करना नहीं चाहते हो, ऑफिशियल अपडेट का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर 7 से लेकर 10 दिन वेट करो। जी हाँ, 7 से लेकर 10 दिनों के अंदर ये जो MIUI 13.0.4.0 एंड्रॉयड 12 अपडेट है MIUI 13 के साथ रेडमी 10 प्राइम डिवाइस के लिए आपके डिवाइस पे ग्लोबल पे अबाउट फोन में सिस्टम अपडेट सेक्शन पे आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बात हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे रेडमी 10 प्राइम डिवाइस पे कहाँ पर अपडेट देखने को मिला है, अपडेट का वर्जन क्या है, अपडेट का साइज़ क्या है, एंड इस अपडेट के बाद यहाँ पर ग्लोबल पे रेडमी 10 प्राइम डिवाइस पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक भाई हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपकी दोस्त के पास अगर रेडमी 10 प्राइम ग्लोबल वेरिएंट है तो प्लीज़ भाई ये वीडियो आप दोस्त के पास शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो पे मैंने जो बताया वो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो बस यार इतना ही।